Good morning, guys. Am I audible? Am I audible, guys? Okay. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किया था. आज हम लोग न्यू चैप्टर में जा रहे हैं, विच इज रैंडम वेरिएबल्स. राइट, रैंडम वेरिएबल्स. नाउ गार्प ने जब अपना करिकुलम खुद का निकाला था, ठीक है, 2020 में, तो उस केस में जो नए चेंजेस हुए ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर या क्वांट्स के अंदर, उससे क्वांट्स थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है. तो अगर मैं आपको करिकुलम के फ्लो में पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा. एंड काफी सारे लोग हैं जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एफआरएम करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक इट वुड बी चैलेंजिंग इफ आई फॉलो द फ्लो गिवन इन द करिकुलम. तो मैं अपने फ्लो में करवा रहा हूं. हम सारे के सारे लर्निंग आउटकम कवर करेंगे, नो डाउट, बट एक होता ना कि ऑर्डर, क्या हम ऑर्डर करिकुलम का फॉलो करेंगे? द आंसर इज नो. राइट, सो द चैप्टर फॉर टुडे इज रैंडम वेरिएबल्स. रैंडम वेरिएबल्स. नाउ एक तरह से अभी आपने प्रोबेबिलिटी किया है, अब आप कोर स्टैटिस्टिक्स में जा रहे हो. स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक वी मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? एनीवन, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा को एनालाइज करना टू डिराइव मीनिंगफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. राइट, स्टैटिस्टिक्स का मतलब इज इट इंक्लूड्स सम मेथड्स एंड टूल्स टू एनालाइज द डेटा टू डिराइव मीनिंगफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. हमें अगर डिसीजन मेकिंग करनी है, दो तरीके होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के. एक तरीका है कि आप सब्जेक्टिवली डिसीजन मेकिंग कर लो, और एक तरीका है कि आप डेटा को स्टडी करके डिसीजन मेकिंग करो. तो स्टैटिस्टिक्स क्या प्रमोट करता है कि यू नीड टू एनालाइज द डेटा टू डिराइव मीनिंगफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, दैट शुड बी डेटा ओरिएंटेड, दैट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव. अदरवाइज सब्जेक्टिव होने में प्रॉब्लम क्या है? एक ह्यूमन एलिमेंट जहां पर भी आएगा वहां पे बायसनेस आएगी. राइट, बट अगर आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो बायसनेस का मतलब ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे. सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि सौरव गांगुली अच्छा प्लेयर है या धोनी ज्यादा अच्छा प्लेयर है, वहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स होंगे. राइट, इट्स अ सब्जेक्टिव जजमेंट. बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका डेटा है, तो सब लोग डेटा को एनालाइज करेंगे एंड उसके बेसिस पे अपना जब कंक्लूजन देंगे, दैट विल बी अनबायस्ड. तो वही स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू एनालाइज द डेटा to derive meaningful results out of it. Right? Now, मैं इतना ज्यादा जो डेटा 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 बोल रहा हूं, डेटा के टाइप्स क्या है? डेटा के टाइप्स क्या है? डेटा दो तरह के होते हैं. वन इज न्यूमेरिकल डेटा एंड वन इज कैटेगोरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा. पहली बात है, डेटा की बात ही क्यों आ रही है? बिकॉज मैं बोल रहा हूं कि मुझे डिसीजन मेकिंग करना है किसी भी चीज में. राइट, मुझे डिसाइड करना है कि मैं किस प्लेयर को अपनी टीम में लूं. तो उस केस में मैं डिसीजन सब्जेक्टिवली कर सकता हूं अपने मन से, और आई कैन एनालाइज द डेटा एंड बेस्ड ऑन डेटा आई कैन डू माय डिसीजन मेकिंग. राइट, तो स्टैटिस्टिक्स क्या प्रमोट करता है? कि आपको डेटा को एनालाइज करना है एंड उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग करना है. तो द एंटायर फोकस कम्स ऑन दिस डेटा. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं. अब अनफॉर्चुनेट ये है, जो अपना करिकुलम दिया हुआ है उसमें इसके ऊपर फोकस ही नहीं है. उन्होंने सीधा रैंडम वेरिएबल्स पढ़ाना शुरू कर दिया, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर एक कंटेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा. तो डेटा के दो टाइप्स होते हैं, वन इज न्यूमेरिकल डेटा, वन इज कैटेगोरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा के अंदर दो तरह के डेटा सेट होते हैं, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा. डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट डेटा मतलब डेटा विच इज काउंटेबल, विच इज फाइनाइट. सपोज मैं आपको बोलता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग दिस क्लास, इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेबल और नॉट? इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेबल और नॉट? इज इट अ काउंटेबल वेरिएबल? यस, दैट इज डिस्क्रीट डेटा. सपोज बैंक चेक करता है कि कितने लोन्स ने डिफॉल्ट किया है, नंबर ऑफ डिफॉल्ट. नाउ टेल मी, number of default, is that a countable variable? Number of defaults, yes, that is a countable variable. तो वो मेरा discrete data है और numerical data है, discrete numerical, right? और अगर मैं बोलता हूं आपको कि अगर default हुआ तो loss amount कितना होगा, loss amount, that is non-countable, right?
एंड दैट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन एन इनफाइनाइट स्केल। लॉस अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है ना, आपने 1 लाख का लोन दिया, लॉस अमाउंट आपका 10,000 भी हो सकता है, इट कैन बी 11,000 एज वेल, इट कैन बी 11,500 एज वेल, इट कैन बी 11,550 पैसा एज वेल, तो इट कैन गो अप टू एनी इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस। तो दैट इज नॉन काउंटेबल, दैट इज इनफाइनाइट। तो वो मेरा एग्जाम्पल है एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? लॉस अमाउंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, राइट? लॉस अमाउंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, दैट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। आपका एज, मुझे बताओ एज इज इट अ डिस्क्रीट वेरिएबल और इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल? एज इज इट अ डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल? इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि एज में आपका जितना मर्जी डेसिमल तक एक्सप्रेस कर सकता हूं, राइट? आई कैन गो इन ईयर्स, आई कैन गो इन मंथ्स, आई कैन गो इन वीक्स, आई कैन गो इन डेज, आई कैन गो इन आवर्स, राइट? तो इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल बिकॉज नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। तो दो तरह के डेटा होते हैं, न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल। न्यूमेरिकल आपको नाम से पता लग रहा होगा, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व है, नंबर्स इन्वॉल्व है। न्यूमेरिकल के अंदर दो तरह के डेटा होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा कौन से हैं? जो कि काउंटेबल है एंड फाइनाइट है, काउंटेबल एंड फाइनाइट। और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कौन से हैं? नॉन काउंटेबल एंड इनफाइनाइट। ठीक है, आप लोग मुझे सोच के बताओ कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स, प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। सोच के कुछ एग्जाम्पल्स दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के। अपने आसपास जो भी है उसको सोचो एंड टेल मी द एग्जाम्पल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। फास्ट, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, एक्सीलेंट, इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रैंक बाय अ पर्सन, एक्सीलेंट कौशल, इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, कितना पानी पिया, इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, राइट? डिस्क्रीट का एग्जाम्पल दो। तो दो एग्जाम्पल मेरे पास एक्स्ट्रा है, कंटिन्यूअस में स्टॉक मार्केट रिटर्न्स एंड पानी कितना पिया। डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल दो अपने आसपास। नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली, नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली, इज इट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल और इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल? डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ क्लोथ्स, देवांश इज सेइंग, राइट? नंबर ऑफ क्लोथ्स, करेक्ट। नंबर ऑफ शेयर्स इन पोर्टफोलियो, एक्सीलेंट, इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस में सिर्फ फर्क यही है कि डिस्क्रीट इज काउंटेबल एंड फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस इज नॉन काउंटेबल एंड इनफाइनाइट। एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं, बहुत बारी एक वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है बट आप उसको एक्सप्रेस इस तरीके से करते हो कि वो आपको क्या लगता है, डिस्क्रीट लगता है, बट किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, राइट? अगर उस वेरिएबल का नेचर कंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस ही बोलेंगे। जैसे सपोज एज, अब एज में कोई सिर्फ 10, 11, 12 ऐसी बोलेगा तो मे बी उसको लगेगा ये तो डिस्क्रीट है, वो एक्सप्रेस करने का तरीका है। अल्टीमेटली यू कैन एक्सप्रेस इट अप टू एनी डेसिमल प्लेस, तो वो रहेगा तो कौन सा वेरिएबल, कंटिन्यूअस ही रहेगा, राइट? तो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कैन बी डिस्क्रीट वेरिएबल और इट कैन बी कंटिन्यूअस वेरिएबल। और दूसरा है कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में अगेन तीन सब कैटेगरीज होती है। एक होता है डाइकोटमस वेरिएबल, डाइकोटमस वेरिएबल। डाइकोटमस वेरिएबल मतलब एक ऐसा कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसमें सिर्फ दो कैटेगरीज है, सपोज मेल फीमेल, मेल फीमेल, दो ही कैटेगरीज है, राइट? डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, एक लोन जो बैंक ने दिया उस पर डिफॉल्ट होगा या डिफॉल्ट नहीं होगा, पास फेल, सिर्फ दो ही कैटेगरीज है, इट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो आपको न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल में तो फर्क समझ आ ही रहा होगा, यहाँ पे कोई नंबर्स थोड़ा इन्वॉल्व है, यहाँ पे कैटेगरीज इन्वॉल्व है। कैटेगोरिकल के अंदर मैं बोल रहा हूं डाइकोटमस वेरिएबल। डाइकोटमस वेरिएबल का मतलब क्या है? दो कैटेगरीज है, पास फेल, डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, राइट? उसके अलावा मेल फीमेल। और एग्जांपल दो डाइकोटमस वेरिएबल्स के, डाइकोटमस वेरिएबल्स के और एग्जांपल। मैरिड सिंगल, अगर मैं दो ही कैटेगरीज लेके चल रहा हूं, राइट? हेड्स टेल्स, एक्सीलेंट, इट्स अ
डाइकोटमस वेरिएबल, उसके बाद है आपका नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, उसमें मोर देन टू कैटेगरीज होती है एंड द कैटेगरीज आर अनऑर्डर्ड, कैटेगरीज में कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंट होता है ऑर्डिनल वेरिएबल से। नॉमिनल और ऑर्डिनल में फर्क क्या है, दोनों में मोर देन टू कैटेगरीज है, डाइकोटमस में तो दो ही कैटेगरीज है, बट नॉमिनल एंड ऑर्डिनल दोनों में मोर देन टू कैटेगरीज है, बट ऑर्डिनल नाम से पता लग रहा है कि वहां पे कैटेगरीज क्या है, ऑर्डर्ड है। नॉमिनल में कैटेगरीज आर अनऑर्डर्ड। मैं आपको ऑर्डिनल वेरिएबल का एग्जांपल देता हूं, सपोज रेटिंग्स। मैंने आपको कहा था कि रेटिंग एजेंसीज कंपनीज को रेट करती है, तो वो रेटिंग प्रोवाइड करती है AAA, AA, सिंगल ए, BBB, BB, सिंगल बी, राइट, CCC, CC, सिंगल सी, डी, डी स्टैंड्स फॉर डिफॉल्टिंग, राइट। तो ये जो सारी रेटिंग्स है, रेटिंग्स ये क्या है, कैटेगरीज है, एंड ये कैटेगरीज का एक ऑर्डर है, एक कैटेगरीज का ऑर्डर है ना। AAA वाली जो कंपनी है उसका क्रेडिट क्वालिटी इज हायर देन AA, AA का क्रेडिट क्वालिटी इज हायर देन सिंगल ए, सिंगल ए का क्रेडिट क्वालिटी इज हायर देन BBB। सो दीज आर ऑर्डिनल वेरिएबल्स वेर इन कैटेगरीज आर मोर देन टू, नो डाउट, बट द कैटेगरीज आर ऑर्डर्ड एज वेल, ऑर्डर्ड एज वेल। नॉमिनल वेरिएबल्स में क्या होता है, मोर देन टू कैटेगरीज है बट द कैटेगरीज आर अनऑर्डर्ड, दे आर अनऑर्डर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में लोन लेने जाते हो, टाइप ऑफ लोन, टाइप ऑफ लोन आपका हाउसिंग लोन हो सकता है, आपका ऑटो लोन हो सकता है, राइट, आपका सपोज कोई पर्सनल लोन हो सकता है, आपका एडुकेशन लोन हो सकता है, आपका मैरिज लोन हो सकता है, ये सारी क्या है, कैटेगरीज है। बट क्या इन कैटेगरीज में कोई ऑर्डर प्रेजेंट है, क्या आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो कि हाउसिंग लोन बेटर है मैरिज लोन से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहे, राइट। सो दीज आर नॉमिनल वेरिएबल्स वेर इन वी हैव मोर देन टू कैटेगरीज बट द कैटेगरीज आर अनऑर्डर्ड, राइट। सो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डाइकोटमस जिसमें सिर्फ दो कैटेगरीज है, दो कैटेगरीज में ऑर्डर का मतलब नहीं होता, दो कैटेगरीज में ऑर्डर का मतलब नहीं होता, दो ही कैटेगरीज है। नॉमिनल मोर देन टू कैटेगरीज बट दे आर अनऑर्डर्ड, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, टाइप ऑफ लोन, राइट। अच्छा, आप कौन सी सिटी में हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं लाइव, आप कौन सी सिटी से क्लास कर रहे हो, दैट इज अ नॉमिनल वेरिएबल। मोर देन टू कैटेगरीज अलग अलग है ना, एंड दीज कैटेगरीज आर अनऑर्डर्ड। ऑर्डिनल वेरिएबल, मोर देन टू कैटेगरीज बट ऑर्डर्ड। नाउ गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल्स, टेल मी प्लीज, गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल्स। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इट्स अ नॉमिनल वेरिएबल, एक्सीलेंट। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, करेक्ट, देवांश इज सेइंग रिव्यूज फ्रॉम एक्सीलेंट टू बैड, करेक्ट। अगर आप रिव्यूज को देखते हो तो वो क्या है, आपका ऑर्डिनल वेरिएबल है, ऑर्डिनल वेरिएबल, राइट। और एग्जांपल्स दो प्लीज। टाइप्स ऑफ कार इन अ शोरूम, करेक्ट, नॉमिनल वेरिएबल। कौन सी कार है, एसयूवी है, सिडान है, राइट, वो सारा क्या है, नॉमिनल वेरिएबल। और एग्जांपल्स, ग्रेड्स फ्रॉम ए टू डू, एक्सीलेंट। आपको जो ग्रेड्स मिलते हैं ए से लेकर डी तक, दैट इज अ ऑर्डिनल वेरिएबल, दैट इज अ ऑर्डिनल वेरिएबल। अच्छा, जो आपके सेक्टर्स हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, नॉमिनल वेरिएबल, ब्रिलियंट। ब्लड टाइप, नॉमिनल वेरिएबल, राइट, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सोच रहे हो, नॉमिनल वेरिएबल, एक्सीलेंट चिराग। ब्लड टाइप इज अ नॉमिनल वेरिएबल, कोई ऑर्डर थोड़ा ना प्रेजेंट है उसमें, राइट। और जिप कोड, अगेन नॉमिनल वेरिएबल। क्लास स्टैंडर्ड, ये कैसा होगा बताओ प्लीज, क्लास स्टैंडर्ड, आप कौन सी क्लास में हो, ये कैसा वेरिएबल है, टेल मी, इट्स अ ऑर्डिनल वेरिएबल, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, एक्सीलेंट, अगेन ऑर्डिनल वेरिएबल, बिकॉज रैंकिंग्स है ना उसमें। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए, ग्रेड्स, ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ये सारे क्या है, ऑर्डिनल वेरिएबल। मेडल, एक्सीलेंट, गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, ऑर्डिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल में एग्जाम्पल्स आए, ब्लड टाइप कौन से स्टैंडर्ड में है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आइदर दे आर न्यूमेरिकल और दे आर कैटेगोरिकल, राइट।
राइट, न्यूमेरिकल कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, कैटेगोरिकल कैन बी डाइकोटमस, नॉमिनल और ऑर्डिनल, राइट। नाउ हमने क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब है मेथड्स एंड टूल्स टू एनालाइज द डेटा, राइट। हमने डेटा समझ लिया क्या क्या होता है, अब उसको एनालाइज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स करना है। स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, दैट इज समराइजिंग द डेटा। आपको नाम से पता लग रहा होगा, डिस्क्रिप्टिव मतलब डेटा को डिस्क्राइब करना, डेटा को डिस्क्राइब करना, डेटा को समराइज करना। मैं आपको डेटा दे दूंगा सारा, अगर मैं आपको अगर सारा डेटा दे दूंगा, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल्स लिए, उस सारे डेटा को मे भी देख के आप कुछ समझ नहीं पाओगे, तो हम लोग डेटा को समराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने बचपन में एवरेज निकाला होगा, एवरेज राइट, मीन, मीन निकाला होगा ना, तो मीन क्या है, वो भी एक टूल है जिससे आप डेटा को क्या कर रहे हो, समराइज कर रहे हो। तो एवरेज निकालना इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समराइजिंग द डेटा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, दैट इज हेयर इन वी समराइज द डेटा। नाउ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बहुत बारी आप पॉपुलेशन डेटा के साथ काम करना चाहते हो, पॉपुलेशन मतलब जितना भी डेटा सेट है वर्ल्ड में वो सारा ले लो, राइट, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का। बहुत बारी आप पॉपुलेशन डेटा सेट के साथ काम करना चाहोगे, बट पॉपुलेशन डेटा या तो अनअवेलेबल होगा और इट्स वेरी कॉस्टली, पॉपुलेशन डेटा के साथ काम करना बहुत कॉस्टली होने वाला है, राइट, डेटा कलेक्शन में बहुत कॉस्ट लगेगा आपका। तो इन दैट केस हम लोग सैंपल के साथ काम करते हैं, सैंपल डेटा के साथ, राइट, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन डेटा। जब आप सैंपल डेटा के साथ काम करते हो तो वहां पे बात आती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। नाम से पता लग रहा है, इन्फरेंशियल मतलब इन्फरेंसिंग अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सैंपल, इन्फरेंसिंग अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सैंपल। हम लोग पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस कर रहे हैं, बट किसको पढ़ के, सैंपल को स्टडी करके, राइट, हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बोलेंगे बट सैंपल को स्टडी करके, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो हमारे दो ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में वी आर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, दैट इज समराइजिंग द डेटा। अभी हम लोग इस पे फोकस करने वाले, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग लेटर क्लासेस में जाएंगे एंड वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्फरेंशियल में बोला क्या है कि पॉपुलेशन डेटा इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड वर्क विद, क्योंकि वो अनअवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है इतना इजिली, या अगर अवेलेबल भी है तो इट्स वेरी कॉस्टली। तो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल के साथ काम करते हैं। अगर आप सैंपल को स्टडी करते हो तो आप ये थोड़ा ना बोलते हो ये सैंपल में मेरा ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन तो आप ओवरऑल ही देते हो ना, कंक्लूजन तो आप ओवरऑल ही देते हो। सपोज मुझे चेक करना है कि एक एफआरएम वाले की सैलरी कितनी होती है, सैलरी की रेंज क्या है, मैं एक सैंपल को स्टडी करूंगा, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़े हैं, ठीक है, एफआरएम, मैं उनका रेंज चेक करूंगा, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा वो मेरे स्टूडेंट्स की सैलरी का रेंज है, मैं बोलूंगा एफआरएम स्टूडेंट्स की सैलरी का रेंज यहां से यहां तक रहता है। मतलब आप स्टडी सैंपल को कर रहे हो बट आप इन्फरेंस तो अबाउट पॉपुलेशन ही देते हो ना, राइट। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मींस इन्फरेंसिंग अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सैंपल। बहुत जल्दी जल्दी मैंने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोला बिकॉज अभी मेरा फोकस ही नहीं है यहां पर, वो हम लेटर चैप्टर्स में जाके डिस्कस करेंगे। एक क्या है मेरा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग डेटा को समराइज कर रहे हैं। नाउ डेटा को समराइज करने के दो तरीके हैं, या तो कोई न्यूमेरिकल मेजर्स यूज कर लो या कोई विजुअल मेजर्स यूज कर लो, ग्राफिकल मेजर्स यूज कर लो, न्यूमेरिकल और विजुअल। नाउ अनफॉर्चुनेटली जो विजुअल मेजर्स है ना, ये हमारे करिकुलम में गिवन नहीं है, राइट, कि हम लोग क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द डेटा। बट जैसे ही आप इंटरव्यूज में जाओगे ना एफआरएम करने के बाद, वहां पे आपको डेटा दिया जा सकता है एंड एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने को दिया जा सकता है। तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज आई विल बी टेकिंग अ डेडिकेटेड क्लास, मे बी बाय टुमारो, ठीक है, टुमारो मैं एक डेडिकेटेड क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको रियल डेटा पे ये ग्राफिकल मेजर्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा, राइट। तो दैट विल बी अ स्प्रेडशीट एक्सेल बेस्ड एक्सरसाइज जिसमें हम लोग डेडिकेटेडली डेटा पे काम करेंगे
ग्राफिकल मेजर्स भी देखेंगे और न्यूमेरिकल मेजर्स भी देखेंगे कि कैसे डेटा पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, और वो बहुत जरूरी है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स पेन पेपर पे नहीं पढ़ा जाता, स्टैटिस्टिक्स पीपीटीज में नहीं पढ़ा जाता, स्टैटिस्टिक्स डेटा पे काम करके ही पढ़ा जाता है, राइट। बट मैं मेन लेक्चर्स को उसके कारण बहुत ज्यादा डाइवर्ट भी नहीं करना चाह रहा हूं, तो उस केस में दैट विल बी अ डेडिकेटेड क्लास पॉसिबली टुमारो, टुमारो 11 AM, जहां पर हम लोग ग्राफिकल मेजर्स और न्यूमेरिकल मेजर्स एक्सेल स्प्रेडशीट में सीखेंगे, राइट। नाउ न्यूमेरिकल मेजर्स के अंदर चार तरह के मेजर्स होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सिमिट्रिसिटी, मेजर्स ऑफ पिकेडनेस। आप में से 95% लोगों ने सिर्फ मीन मीडियन मोड सुना होगा, वो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मैं आपको और भी मेजर्स बता रहा हूं यहाँ पे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सिमिट्रिसिटी, मेजर्स ऑफ पिकेडनेस, राइट। जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड स्पेल इट आउट, एक बार स्पेल आउट कर लो, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगा इसको रिकॉल करने में। एक बार स्पेल आउट कर लो चारों को, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सिमिट्रिसिटी, मेजर्स ऑफ पिकेडनेस, प्लीज स्पेल इट आउट। राइट, हमारे बुक में ये चारों मेजर्स को अलग तरीके से लिखा हुआ है, वो किस तरीके से लिखा हुआ है उस पर बाद में आऊंगा मैं, मोमेंट्स ऑफ डेटा के नाम से लिखा हुआ है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। बट राइट नाउ हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल मेजर्स, राइट, विजुअल मेजर्स नहीं, न्यूमेरिकल मेजर्स। न्यूमेरिकल मेजर्स में हमारे चार मेजर्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सिमेट्रिसिटी, मेजर्स ऑफ पिकेडनेस। सो लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ दीज, राइट। सबसे पहला है मेरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपको डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो आप कौन से मेजर्स यूज करोगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल मीन मीडियन मोड, राइट। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूं। सपोज मैं क्रिकेटर्स का डेटा लेता हूं, मेरे पास यहां पे एक एक्सेल शीट है, उसमें सारे क्रिकेटर्स का डेटा है, ठीक है। तेंदुलकर ने जितने भी मैचेस खेले हैं, वो मैचेस में क्या रन्स स्कोर किए उसका डेटा मेरे पास है, राइट। मैं अभी आपको एक जनरल डेटा दिखा रहा हूं, कल जो डेडिकेटेड क्लास होगा एक्सेल में उसमें हम लोग फाइनेंशियल डेटा, स्टॉक मार्केट डेटा पे काम करेंगे, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे प्लेयर का नाम है एंड प्लेयर के रन्स गिवन है, तो जितने भी मैचेस तेंदुलकर ने प्ले किए हैं वो सारे यहाँ पे गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रन्स बनाए हैं वो रन्स यहाँ पे गिवन है। तो दिस इज द डेटा आई हैव एंड आई हैव दिस डेटा सेट्स फॉर मेनी प्लेयर्स, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड, धोनी, कोहली, युवराज सिंह, सहवाग, ठीक है। मे बी ये आप लोगों के टाइम के नहीं होंगे बट मेरे टाइम के प्लेयर्स तो यही थे, तो मैंने ये सारे डेटा सेट लिए बिकॉज मैं इनको ज्यादा फील कर पा रहा था, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड, धोनी, कोहली, युवराज सिंह, सहवाग, ठीक है, रोहित शर्मा, गंभीर एंड रायना। नाउ मुझे चेक करना है डेटा से कि इन सब में से कौन सा बेस्ट बैट्समैन है, राइट। मैंने बैट्समैन का डेटा लिया है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सभी का डेटा लूंगा कि उन्होंने अपने मैचेस में क्या रन स्कोर किए हैं एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज रन स्कोर्ड बाई ईच बैट्समैन, एवरेज रन स्कोर्ड। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बताओ प्लीज। एवरेज, एवरेज के लिए सिंपल करना होता है, जितने भी रन है वो सारे रन को एड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, राइट। जितने भी मैचेस हैं वो मैचेस में जो रन है वो सारे रन को एड करके इफ आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, तो मेरे पास एवरेज नहीं आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा ना। तो यहां पर मैंने समराइज किया हुआ है कि सबका मीन कितना आया है। ये समराइजेशन कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। मैं आपको डेटा पे काम करना सिखाऊंगा ही, वो मेरा यूएसपी है और वो आपका यूएसपी होने वाला है। बट अभी आपके सामने यहाँ पर मैंने मीन निकाल के दे दिया, एवरेज स्कोर्स निकाल के दे दिए, राइट। यहाँ पर मेरे पास एक कॉरेस्पॉन्डिंग पीपीटी भी है जिसमें हर एक प्लेयर के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं,
धोनी का मीन है 36 runs, द्रविड एवरेज स्कोर इज 34 runs, गंभीर एवरेज स्कोर इज 36 runs, गांगुली 37 runs, विराट कोहली 48 runs, रायना 28 runs, राइट, सहवाग 33 runs, रोहित शर्मा 38 runs, तेंदुलकर 40 runs एंड युवराज 31 runs. तो ये सारे क्या है, एवरेज रन्स स्कोर्ड. नाउ आपके सामने सबके एवरेज रन्स स्कोर्ड है, सबसे हाईएस्ट किसका है बताओ प्लीज, हाईएस्ट एवरेज किसका है, विराट कोहली का, विराट कोहली का विच इज 48 runs. तो कैन आई से इन माय डेटा सेट विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, क्या मैं ये बोल सकता हूं सपोर्टिंग दिस डेटा सेट, द आंसर इज यस. राइट नाउ मैं कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं डेटा को देख रहा हूं, डेटा लिया मैंने सबका रन्स स्कोर्ड का और मैंने एवरेज निकाला, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि विराट कोहली का एवरेज इज हाईएस्ट एट 48 runs, राइट. सो आई कैन इजिली से इन माय डेटा सेट विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, राइट. सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे डेटा सेट को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो. यहां पर जैसे मैंने एवरेज स्कोर निकाला, वो सिंगल वैल्यू का फायदा क्या है, अब मैं डेटा सेट में इजिली कंपैरिजन कर पा रहा हूं कि कौन सा बेटर बैट्समैन है एज कंपेयर टू द अदर्स. तो राइट नाउ आई एम कमेंटिंग दिस बेस्ड ऑन माय डेटा सेट, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, राइट, ऑब्वियसली विद इन दिस डेटा सेट. मैंने बाकी प्लेयर्स का नहीं देखा, इस डेटा सेट में तो एवरेज रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इज द हाइएस्ट, सो ही इज द बेस्ट बैट्समैन. Am I clear or not? Average का मतलब समझ में आया कि नहीं? Average का मतलब समझ में आया कि नहीं? Right? So measures of central tendency में हम लोग क्या कर रहे हैं? We are representing the entire data set with a single value. Right? तो मैंने सभी के सभी players का runs scored का data लिया, उसका average निकाला, विराट कोहली का highest आ रहा है, तो विराट कोहली is the best batsman. मुझे खाली statistics perform नहीं करना है. हम लोग statisticians नहीं है. राइट, हम लोग जब FRM पढ़ेंगे तो हम लोग स्टैटिस्टिशियंस नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड. हम लोग स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग में. तो मेरा अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग क्या होगा, मे बी कि मुझे आइडेंटिफाई करना था कौन सा बेस्ट बैट्समैन है, राइट. सो आई विल आंसर विराट कोहली. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमें स्टैटिस्टिक्स पर रुकना नहीं है, हमें स्टैटिस्टिक्स को यूज करना है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए, राइट. सपोज अब मुझे कंपेयर करना है कि ये सारे प्लेयर्स में से बेस्ट कैप्टन कौन सा है, तो कैप्टन में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं गांगुली को और धोनी को, गांगुली को और धोनी को, राइट, गांगुली एंड धोनी. तो मैं गांगुली और धोनी के एवरेज स्कोर्स को कंपेयर कर रहा हूं, दोनों का एवरेज बहुत क्लोज है, दोनों का एवरेज बहुत क्लोज है, अराउंड 37. कैन यू सी, इसका मतलब अगर मैं एवरेज रन स्कोर देख रहा हूं दोनों के दोनों कैप्टन के, विच इज गांगुली एंड धोनी, दोनों का एवरेज रन कितना है, अराउंड 37. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंक्लूड बेस्ड ऑन एवरेज की कौन बेटर प्लेयर है. आप स्टैटिस्टिक्स में कभी ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा है 37.8, ये 36.6. स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा तो डेविएशन हो गई, राइट, बिकॉज आप नंबर्स के साथ काम कर रहे हो, बट ऑन एन एवरेज मोटा मोटी आप देख सकते हो कि दोनों का एवरेज रन स्कोर इज अराउंड 37 ओनली. तो इसका मतलब मैं दोनों को कंपेयर करके ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं कि हु इज अ बेटर प्लेयर, हु इज अ बेटर कैप्टन, यू कैन से, राइट. तो जहां पर भी आप खाली मीन से काम नहीं चला पाते, जहां पर भी आप खाली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से काम नहीं चला पाते, वहां पर आप दूसरे मेजर्स पे जाते हो, जैसे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जैसे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. मैंने क्या बोला, मैंने सारे बैट्समैन का एवरेज रन निकाला, तो एवरेज रन विराट कोहली का हाईएस्ट आया, तो ही इज द बेस्ट बैट्समैन, दैट्स फाइन. वो मेरा केस स्टडी खत्म हो गया, मुझे बेस्ट बैट्समैन आइडेंटिफाई करना था, मैंने कर लिया. अब मैं बोल रहा हूं मुझे आइडेंटिफाई करना है हु इज द बेटर कैप्टन, गांगुली और धोनी, राइट. तो मैंने दोनों का एवरेज रन देखा तो अराउंड 37 ही है, तो 37 अगर दोनों का सेम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंक्लूड हु इज अ बेटर बैट्समैन बेस्ड ऑन ओनली मीन. तो वहां पर जहां पर आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट नहीं है, वहां पर आपको और मेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल आपका मेजर्स ऑफ
डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, नाम से पता लग रहा है हम लोग डेटा में स्प्रेड चेक करेंगे, डेटा में स्प्रेड चेक करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, दो तरह के प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर है जो हमेशा एवरेज के आसपास स्कोर करता है, मतलब एक प्लेयर है जो हमेशा 40, 40, 40, 42, 43, 38, 39, उसका एवरेज है 40, उसके आसपास ही परफॉर्म करता है, राइट। और एक प्लेयर है जिसका एवरेज तो 40 है लाइक द अदर प्लेयर, बट वो परफॉर्म कैसे करता है, 0, 1, 80, 90, 100, अगेन 2, 3, अगेन 75, मतलब वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, राइट। कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंट है दोनों में से? दो प्लेयर्स हैं, एक हमेशा एवरेज के आसपास ही परफॉर्म करता है, राइट, और एक प्लेयर है उसका एवरेज तो सेम आता है 40, बट बहुत ऊपर नीचे परफॉर्म करता है, 0, 2, 3 या 70, 80, 90। तो हु इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, हु इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर? प्लेयर वन जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है ना, ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, राइट, किसके डेटा में स्प्रेड ज्यादा है, किसके डेटा में स्प्रेड कम है। वी वॉन्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स, हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए कि कभी जीरो बना रहे हैं, कभी 70 बना रहे हैं, कभी 90 बना रहे हैं, कभी 2 रन बना रहे हैं। वी वॉन्ट अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। तो अभी जब मैंने दोनों बैट्समैन को देखा, धोनी को और गांगुली को, तो उस केस में दोनों का एवरेज सेम था, तो मैं कंक्लूड नहीं कर पाया कि कौन बेटर है। तो उस केस में आई कैन रिजॉर्ट टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एंड डिस्पर्जन के लिए आपका बेस्ट मेजर होता है वेरियंस। कौन सा? वेरियंस। नाउ वेरियंस का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा। मैं पहले आपको इंट्यूटिवली सारी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, फिर मैं उनके मैथ्स में जाऊंगा। वेरियंस मीन्स एवरेज स्क्वेयर्ड डेविएशंस अराउंड द मीन, एवरेज स्क्वेयर्ड डेविएशंस अराउंड द मीन, बेसिकली डेटा में डिस्पर्जन को क्वांटिफाई कर रहा है ये। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा दो प्लेयर्स है, गांगुली उसका वेरियंस है 1304, राइट, और धोनी, धोनी का वेरियंस है 924 एंड 1304, राइट। नाउ ये जो वेरियंस कंप्यूट होता है ना, वेरियंस, वेरियंस के फॉर्मूला में स्क्वायर आता है, स्क्वायर कैसे निकलता है वेरियंस, ये डिस्कशन कर लेंगे प्लीज, उस पे अभी ध्यान मत दो, वो मैं करवाऊंगा आपको। वेरियंस के फॉर्मूला में स्क्वायर आता है, स्क्वायर। तो अगर मैं रन्स को लेके चल रहा हूं तो रन्स का स्क्वायर हो जाएगा, रन्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब गांगुली का वेरियंस इज 1304 रन स्क्वायर, राइट, धोनी का वेरियंस इज 924 रन स्क्वायर। क्या जब मैं रन स्क्वायर बोल रहा हूं ये आपको इंटरप्रेटेबल लग रहा है, मतलब आप समझ पा रहे हो ठीक से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 1304 रन स्क्वायर, 924 runs square. Is it intuitive for you to understand what I am trying to say? The answer is no. Runs square को आप interpret ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं runs में convert कर दूं, किसी चीज को square से normal में convert करना है तो square root लेना होगा। तो variance का square root होता है standard deviation. Variance का square root होता है standard deviation. तो standard deviation को मैं बोलूंगा 36 runs is the average deviation. 36 runs is the average स्प्रेड इन द डेटा। धोनी का डेविएशन इज 30 रन्स। मैंने क्या बोला, खाली मीन देख के मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा कौन बेटर है, बिकॉज दोनों का एवरेज अराउंड 37 है। तो आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में जाना होगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है वेरियंस, बेस्ट एग्जाम्पल है वेरियंस। वेरियंस का प्रॉब्लम क्या है कि वेरियंस का यूनिट इज रन स्क्वेयर। तो गांगुली का वेरियंस इज 1304 run square and Dhoni ka variance is 924 run square, which is not interpretable. आप interpret नहीं कर सकते run square को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका square root लेते हैं variance का, and that is called standard deviation. तो दो players का आपके सामने standard deviation है, one is 36 runs Ganguly का and one is 30 runs Dhoni का. Now मुझे बताओ दोनों में से कौन ज्यादा consistent player है, दोनों में से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है? धोनी, बिकॉज धोनी का एवरेज डेविएशन इज लेस, एवरेज डेविएशन तो लेस होना चाहिए ना। अभी आपने क्या बोला, कंसिस्टेंट प्लेयर जो होगा ठीक है उसका हमेशा एवरेज के पास ही रन आएंगे, एंड जो नॉन कंसिस्टेंट प्लेयर होगा उसका डेविएशन बहुत ज्यादा होगा। डेविएशन वर्ड क्या है? डेविएशन, राइट। तो अगर मैं गांगुली का डेविएशन आपको दे रहा हूं 36 रन और धोनी का डेविएशन आपको दे रहा हूं
30 रन्स, तो प्लीज टेल मी हु इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। सब लोग मुझे लाइन से आंसर दो, सब लोग मुझे लाइन से आंसर दो, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? धोनी इज मोर कंसिस्टेंट, राइट? तो अब समझो, अगर मैं आपसे बोलता कि प्लीज बताओ गांगुली और धोनी में से कौन बेटर है, तो काफी सारे लोग सब्जेक्टिवली अपने अपने आंसर देते, बट हम लोग एज अ रिस्क मैनेजर कभी भी सब्जेक्टिवली बात नहीं करेंगे। हमें हर एक चीज को क्वांटिफाई करना है, हमें हर एक चीज को डेटा से सपोर्ट करना है, राइट? एंड डेटा ये बोल रहा है दोनों का एवरेज रन्स तो ऑलमोस्ट 37 ही है, बट धोनी इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर बिकॉज धोनी का स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस एज कंपेयर टू गांगुली, राइट? तो दिस इज द यूज ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो दोनों को कंबाइन करके मैं ये कॉन्फिडेंटली कमेंट कर सकता हूं कि धोनी इज अ बेटर कैप्टन देन गांगुली। एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर है ये कंसेप्ट कि नहीं, राइट? तो एक बारी दोनों को देख रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या बोला है? इट इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा सेट। इसमें मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा। मीडियन मोड की डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ चारों मेजर्स का मतलब बता रहा हूं, राइट? तो अगर मुझे रन्स स्कोर्ड का एवरेज निकालना है तो मुझे सम लेना होगा ऑफ रन्स इन ऑल द मैचेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, राइट? तो यहां पे गांगुली का और धोनी का दोनों का एवरेज निकाला, दोनों का एवरेज कितना आ रहा है? अराउंड 37। बोथ द प्लेयर्स हैव एवरेज रन्स ऑफ अराउंड 37, हाउएवर बोथ आर नॉट सेम। धोनी इज अ मोर कंसिस्टेंट कैप्टन गिवन द स्प्रेड इन डेटा इज लोअर। वी क्वांटिफाई डिस्पर्जन यूजिंग वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? जहां पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एडिक्वेट नहीं है टू डिस्क्राइब द डेटा, वहां पर हम सेकेंड मेजर पे जाते हैं, विच इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन या वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन बोल लो, राइट? तो वेरियंस क्या है? इट इज द एवरेज स्क्वेयर्ड डेविएशंस अराउंड द मीन। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है कि डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, डेविएशन का स्क्वायर मतलब अगर मेरा रन्स है, रन्स रन्स का स्क्वायर हो जा रहा है, सो द यूनिट ऑफ वेरियंस इज रन्स स्क्वेयर्ड, विच इज नॉट इंटरप्रेटेबल। वेरियंस इज नॉट इंटरप्रेटेबल, देयरफॉर वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय गांगुली एंड धोनी आर सेम, दैट इज 37, बट धोनी इज अ मच कंसिस्टेंट प्लेयर देन सौरव एज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। धोनी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 30। सौरव का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 36, राइट? सो आई कैन इजिली कमेंट धोनी इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर देन सौरव, राइट? ये दोनों में कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। मैं अभी तक फॉर्मली आपको कुछ फॉर्मूला नहीं समझाया हूं, फॉर्मूला को यूज कैसे करना है एग्जाम में नहीं समझाया हूं, मैं सिर्फ टर्म्स कम्युनिकेट कर रहा हूं कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो न्यूमेरिकल मेजर्स हैं वो चार मेजर्स कौन कौन से हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, सिमिट्रिसिटी एंड पिकेडनेस। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में कोई डाउट है तो बताओ प्लीज, एनी डाउट स्टिल हेयर? शिवेश इज सेइंग जितना एसडी कम होगा उतना अच्छा होगा इन मोस्ट ऑफ द कंटेक्स्ट, राइट? शिवेश, जितना एसडी कम होगा उतना अच्छा होगा, राइट? बट कुछ कंटेक्स्ट में आपको एसडी हाई चाहिए होता है, वो मैं डिस्कशन जब करूंगा आपको बताऊंगा, बट अभी आपके लिए जो मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया है, जितना एसडी कम होगा उतना प्लेयर क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। जितना एसडी कम होगा उतना प्लेयर कंसिस्टेंट होगा, राइट? बट आप खाली एसडी को कंपेयर नहीं करोगे, आपने एवरेज भी कंपेयर किया, आपने एसडी भी कंपेयर किया। जैसे यहां पर एवरेज सेम था तो मैं आगे गया तो मैंने एसडी को देखा, क्योंकि मुझे खाली एवरेज के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं मिला कि कौन सा प्लेयर बेटर है, राइट? तीसरा मेरा क्या है, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, ये एक्सेल शीट में शेयर कर दूंगा, आप सब लोग खुद भी एक्सेल पे सारा एनालिसिस कर सकते हो। कल जब मैं प्रैक्टिकल क्लास लूंगा आपको बता दूंगा कैसे करते हैं एक्सेल में, उसके बाद अगर आप क्रिकेट डेटा पे उसको करना चाहते हो तो खुद से करना प्लीज, राइट? नाउ कमिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट मेरा मेजर है मेजर्स ऑफ सिमिट्रिसिटी। मेजर्स ऑफ सिमिट्रिसिटी, सिमिट्रिसिटी समझने के लिए पहले आपको समझना होगा अ कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
पहले आपको समझना होगा कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी वेरिएबल जो आपका है उसकी अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज को ले लूंगा एक्स एक्सिस पे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी को ले लूंगा वाई एक्सिस पे, इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, कोई भी वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज को एक्स एक्सिस पे ले लूंगा एंड उसकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ले लूंगा, इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जेनरिक और सबसे फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम नॉर्मल क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। राइट, सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एज ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम, एज ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम ये मेरा एक्स है, एज ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम ये मेरा एक्स है। नाउ अलग अलग एज के लोग एफआरएम कर रहे होंगे, कोई 20 ईयर्स का होगा, कोई 21 का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 50 ईयर्स का होगा। राइट, तो मेरा वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज जो आपका एज है, एज ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम। राइट, और फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी मतलब कितने लोग उस एज के एफआरएम कर रहे हैं। अगर मैं प्लॉट कर दूंगा तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, अगर प्लॉट कर दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप डाइस को थ्रो करते हो, डाइस को थ्रो करते हो तो आपका आउटकम क्या आता है, 1 to 6, 1 to 6। राइट, तो 1 आने का चांस क्या है, 1/6, 2 आने का चांस क्या है, 1/6, 3 आने का चांस क्या है, 1/6, 4 आने का चांस क्या है, 1/6। ये जो सारा मेरा वैल्यूज है ना, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, कौन सा, 1 2 3 4 5 6। जब डाइस को थ्रो करेंगे तो जो मेरा आउटकम आएगा, दोज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, 1 to 6। राइट, और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, सबका इक्वल, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पर भी अगर मैं एक्स की वैल्यूज लेके चल रहा हूं एक्स एक्सिस पे, मतलब अपने वेरिएबल की वैल्यूज को लेके चल रहा हूं एक्स एक्सिस पे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहा हूं वाई एक्सिस पे, इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दुनिया में सबसे फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज नॉर्मली हर कोई वेरिएबल ये डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक बेल शेप्ड कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व, कैन यू ऑल सी दिस बेल शेप्ड कर्व। राइट, दुनिया में मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स फॉलो दिस बेल शेप्ड कर्व। कैसे, एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने वेरिएबल क्या लिया, एज ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम। राइट, सपोज एवरेज एज है 25, एवरेज एज है 25, तो एवरेज यहां पे आएगा मिडल में 25। राइट, एवरेज कहां पे आएगा, मिडल में 25। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज 25 के आसपास होंगी और एफआरएम कर रहे हैं। राइट, सो द प्रोबेबिलिटी इज हाई अराउंड द एवरेज, कैन यू सी द प्रोबेबिलिटी, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी सोच लो। बहुत सारे लोग होंगे जिनका एज 25 के आसपास है एंड वो लोग एफआरएम कर रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम इन द एज ऑफ से अराउंड 25, दैट इज वेरी हाई। राइट, दैट इज वाई वी सी अ हाई प्रोबेबिलिटी ओवर हेयर। 25 मेरा एवरेज है, एवरेज के आसपास फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटीज हाई, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 25 के आसपास है और रेफरेंस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इन एक्सट्रीम्स, इसको टेल्स बोलते हैं, टेल्स। प्रोबेबिलिटी इन एक्सट्रीम्स इज वेरी लो, कैन यू सी, प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी इन एक्सट्रीम्स इज वेरी लो। इसका मतलब बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जो लोग एफआरएम कर रहे हैं एंड जिनका एज बहुत हाई है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जिनका एज 40+ है और एफआरएम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका एज बहुत कम है, राइट, 19 20, जो लोग एफआरएम कर रहे हैं। सो एज ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम आई कैन इजिली से इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग होंगे जो
एफआरएम कर रहे हैं जिनका एज 25 के आसपास होगा अराउंड एवरेज. सो प्रोबेबिलिटी अराउंड द एवरेज इज वेरी हाई. बहुत कम लोग होंगे जिनका एज इज वेरी हाई एंड दे आर डूइंग एफआरएम. सो प्रोबेबिलिटी एट दिस हायर टेल इज लो. बहुत सारे लोग होंगे जिनका एवरेज के पास एज होगा. बहुत कम लोग होंगे जिनका एज बहुत कम है और एफआरएम कर रहे हैं. राइट, अगेन प्रोबेबिलिटी नियर द लेफ्ट टेल इज लो. राइट, तो एक्सट्रीम्स पे प्रोबेबिलिटी कम है, एवरेज के अराउंड प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. नॉर्मली हर तरह का वेरिएबल इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, वेट. वेट बहुत सारे लोग होंगे जिनका वेट एवरेज वेट के आसपास होगा. बहुत सारे लोग होंगे जिनका वेट एवरेज वेट के आसपास होगा. बहुत कम लोग हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होगा. बहुत कम लोग हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होगा. बहुत कम लोग हैं जिनका वेट बहुत कम होगा. बहुत कम लोग हैं जिनका वेट बहुत कम होगा. सो प्रोबेबिलिटी इन द एक्सट्रीम्स इज वेरी लो, प्रोबेबिलिटी अराउंड एवरेज इज वेरी हाई. राइट, और कोई भी वेरिएबल आप सोच लो. बहुत कम लोग होंगे, ठीक है, जिनका वेट बहुत हाई होगा या वेट बहुत लो होगा. और एग्जाम्पल लेते हैं मार्क्स. सपोज एवरेज मार्क्स है 65, तो बहुत सारे लोग होंगे क्लास में जिनका एवरेज मार्क्स के आसपास मार्क्स आएगा. राइट, बहुत कम लोग होंगे जिनके बहुत हाई मार्क्स आएंगे 9900. बहुत कम लोग होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम आएंगे 0, 1, 2, 3. सो अगेन मार्क्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो दुनिया में आप कोई भी वेरिएबल देख लो, आपको एक बेल शेप्ड कर्व दिखेगा. बेल शेप्ड कर्व का सिंपल मतलब क्या है कि अराउंड द एवरेज प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. राइट, इन द एक्सट्रीम्स प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. अराउंड द एवरेज प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, अराउंड द एक्सट्रीम्स प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. एम आई क्लियर और नॉट? राइट, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तीन एग्जाम्पल दिए. पहला दिया एज ऑफ पीपल डूइंग एफआरएम. तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका एज 25 के आसपास होगा और वो एफआरएम कर रहे हैं. बहुत कम लोग होंगे जिनका एज बहुत हाई है और एफआरएम कर रहे हैं. बहुत कम लोग होंगे जिनका एज बहुत कम है और एफआरएम कर रहे हैं. राइट, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा वेट. बहुत सारे लोग होंगे जिनका वेट से 65 के आसपास होगा. बहुत कम लोग होंगे जिनका वेट बहुत हाई होगा. बहुत कम लोग होंगे जिनका वेट बहुत लो होगा. मार्क्स. सपोज एवरेज मार्क्स है क्लास में 70, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके मार्क्स 70 के आसपास होंगे. बहुत कम लोग होंगे जिनके मार्क्स बहुत हाई होंगे 99, 100. बहुत कम लोग होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम होंगे 0, 1, 2, 3. सो एवरी वेरिएबल follows this kind of bell-shaped curve. That is why it is called normal distribution. क्योंकि normally हर तरह का variable यही distribution को follow करेगा. Right? मुझे बताओ ये clear है कि नहीं? Normal distribution को बहुत detail में आगे discuss करने वाले हैं. अभी मैंने आपको सिर्फ idea दिया है. Is this clear or not? Clear है कि नहीं है? Clear है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान क्या है? एक बेल शेप्ड कर्व. दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उन सबकी अलग अलग शेप होंगी. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल शेप है जो कि बेल शेप्ड है एंड जो कि सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल मतलब यहां से एंड यहां से इट इज सिमेट्रिकल. मैं क्यों ये वर्ड बोला सिमेट्रिकल? बिकॉज रिकॉल करो मेरा थर्ड मेजर क्या है, मेजर्स ऑफ सिमेट्रिसिटी. एंड सिमेट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग कंप्यूट करते हैं स्क्यूनेस. क्या कंप्यूट करते हैं? स्क्यूनेस. तो आप यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0. स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ असिमेट्री. स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ असिमेट्री. मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे बताओ क्या कोई असिमेट्री है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कोई असिमेट्री है? द आंसर इज नो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई असिमेट्री है ही नहीं. दैट इज वाई स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0. तभी मेरा स्क्यूनेस क्या है? 0 है. बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. इज सिमेट्रिकल मतलब अगर आप पेपर को फोल्ड कर दोगे ना
तो जितना एरिया टू द लेफ्ट ऑफ मीन है उतना ही एरिया टू द राइट ऑफ मीन है, जितना एरिया टू द लेफ्ट ऑफ मीन है 50% उतना ही एरिया टू द राइट ऑफ मीन है, राइट right? अगर पेपर को फोल्ड करोगे ना इट विल ओवरलैप ईच अदर, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज अ स्क्यूनेस ऑफ जीरो, राइट. नाउ मेजर्स ऑफ सिमेट्रिसिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस इज इक्वल टू जीरो, राइट. तो आपको पता लग रहा होगा असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस या तो पॉजिटिव होगी या स्क्यूनेस नेगेटिव होगी, राइट. तो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस. सी दिस, ध्यान से इस प्लॉट को देखो, ठीक है. सबको अलग अलग दिखाना है तो वो भी दिखा दे रहा हूं मैं. ये मेरा कैसा शेप है बताओ प्लीज, ये कैसा शेप है? दिस इज बेल शेप्ड कर्व, सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? दिस इज सिमेट्रिकल, तो इसको मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है सिमेट्रिकल, एंड दिस इज जीरो स्क्यूनेस. ये जो ब्लैक लाइन है मेरा, दिस इज जीरो स्क्यूनेस. अच्छा, ये है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड. पॉजिटिव स्क्यूनेस की खासियत क्या होती है? पॉजिटिव स्क्यूनेस की खासियत क्या होती है? लेट मी टेल यू. दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट. आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल के मुकाबले एक पॉजिटिव स्क्यूनेस फीलिंग आ रहा है, एक लॉन्ग टेल है ऑन द पॉजिटिव साइड, लॉन्ग टेल है ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट. दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस. नाउ पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है मुझे बताना प्लॉट देख के. अगर वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है, तो कैन आई से लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड, यस और नो? लो प्रोबेबिलिटी ना, यहां पर लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड, या इसको ऐसा भी बोलते हैं आउटलायर्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड, आउटलायर्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, लॉटरी, लॉटरी का एग्जाम्पल लो. बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लॉटरी 500 रुपए की 1000 रुपए की लगेगी, राइट. सो यहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी लॉटरी 500 रुपए की 1000 रुपए की है. बहुत कम लोग होंगे जिनकी लॉटरी बहुत बड़े अमाउंट की लगेगी. बहुत बड़ा अमाउंट मतलब राइट हैंड साइड, राइट, बिकॉज मैं अमाउंट को लेके चल रहा हूं एक्स एक्सिस पे. एंड प्रोबेबिलिटी लो मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनकी लॉटरी 1 करोड़ की 5 करोड़ की लगेगी. सो लॉटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस, लॉटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. कैसे एग्जाम्पल? मैं बोल रहा हूं बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लॉटरी लगी होगी 500 रुपए की 1000 रुपए की, तो एवरेज आया सपोज 700 रुपए, एवरेज आया 700 रुपए. बहुत सारे लोग होंगे जिनका विनिंग अमाउंट विल बी अराउंड 700, बहुत सारे लोग होंगे जिनका विनिंग अमाउंट विल बी अराउंड 700 ओवर हियर, राइट. बहुत कम लोग होंगे जिनका बहुत बड़े अमाउंट का लॉटरी लगेगा. सो आउटलायर्स, लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, टेल मी. लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड, अ बिग पॉजिटिव नंबर. आउटलायर्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब एक दो लोग ही होंगे जिनका 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का लॉटरी लगेगा. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. बहुत सारे लोग होंगे जिनका विनिंग अमाउंट विल बी अराउंड द एवरेज, 700 रुपए के आसपास जीते होंगे. सो फ्रीक्वेंसी अराउंड 700 इज वेरी हाई, बट फ्रीक्वेंसी
ऑन द राइट पॉजिटिव साइड 1 CR, 5 CR, 10 CR की लॉटरी फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी लो. सो दैट इज वाई वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ प्लॉट. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड. इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस. पॉजिटिव स्क्यूनेस. दूसरा एग्जाम्पल, मार्क्स स्कोर्ड इन अ डिफिकल्ट एग्जाम. मार्क्स स्कोर्ड इन अ डिफिकल्ट एग्जाम. बहुत सारे लोग होंगे जिनका मार्क्स स्कोर्ड किसके आसपास होगा, 35-40 के आसपास. 35-40 के आसपास बिकॉज डिफिकल्ट एग्जाम है. एंड बहुत कम लोग होंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे, 90 डिफिकल्ट एग्जाम में भी. मार्क्स स्कोर्ड इन अ डिफिकल्ट एग्जाम दैट विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड. दैट विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड बिकॉज देर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु विल स्कोर अराउंड 35-40 विच इज द एवरेज. एंड देर विल बी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स विच स्कोर वेरी हाई इन अ डिफिकल्ट एग्जाम. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. राइट. इसका ठीक उल्टा मेरा है नेगेटिव स्क्यूनेस. लाइक दिस नेगेटिव स्क्यूनेस. नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या है, वी हैव अ लॉन्ग टेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल मेरा हो गया मार्क्स स्कोर्ड इन एन इजी एग्जाम. मार्क्स स्कोर्ड इन एन इजी एग्जाम एवरेज आएगा अराउंड 70. बहुत सारे लोगों का मार्क्स एवरेज के आसपास होंगे, 70 के आसपास होंगे. एंड बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स बहुत ही कम होंगे इन एन इजी एग्जाम. सो आउटलायर्स लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द नेगेटिव साइड, आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड या नेगेटिव साइड बोल लो. ठीक है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड. तो मतलब इजी एग्जाम में राइट बहुत सारे लोगों के मार्क्स 70 के आसपास होंगे. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत कम स्कोर करेंगे, नलायक. दैट इज नेगेटिव स्क्यूनेस. राइट. नेगेटिव स्क्यूनेस के और पॉजिटिव स्क्यूनेस के एग्जाम्पल्स मुझे सोच के बताओ. नेगेटिव स्क्यूनेस के और पॉजिटिव स्क्यूनेस के एग्जाम्पल्स सोच के बताओ प्लीज. और कोई एग्जाम्पल, एक एक करके बात करते हैं. प्लीज गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस फर्स्ट. नेगेटिव स्क्यूनेस के एग्जाम्पल दो. एक्सीलेंट. एक अच्छा एग्जाम्पल आया है, लॉसेस इन स्टॉक मार्केट. तो बहुत सारे लोग होंगे, अगर रिटेल की बात करें, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लॉसेस एवरेज के आसपास होंगे. एंड बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके लॉसेस बहुत कम होते हैं. या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर मैं लॉसेस को लेके चल रहा हूं तो प्रॉफिट्स होते हैं. राइट. अगर मैं लॉसेस को लेके चल रहा हूं एक्स एक्सिस पे, मतलब लॉसेस कम, तो बहुत कम लोग होंगे जो कम लॉस करते हैं मार्केट में. एंड बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा लॉसेस करते हैं, एवरेज के आसपास लॉस करते हैं. बट बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कम लॉस करते हैं. तो लॉसेस इन अ स्टॉक मार्केट, लॉसेस इन स्टॉक मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस. दैट इज करेक्ट. राइट. आगे और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दो पॉजिटिव स्क्यूनेस का. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. करेक्ट. बहुत सारे लोगों का इनकम एवरेज इनकम के आसपास होता है. एंड बहुत कम लोग होते हैं जिनका इनकम बहुत हाई होता है. राइट. एक्सीलेंट एग्जाम्पल. पॉजिटिव स्क्यूनेस का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आया है पीपल यूजिंग सोशल मीडिया. एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव स्क्यूनेस. ब्रिलियंट शिवेश. बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया ऑब्वियसली यूज कर ही रहे हैं. एंड बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं. राइट. मतलब यूसेज आवर्स को अगर मैं लेके चलू, बहुत सारे लोगों का यूसेज आवर्स विल बी अराउंड द एवरेज. देयर विल बी वेरी लेस पीपल विद वेरी लो सोशल मीडिया यूसेज आवर्स. और कोई एग्जाम्पल. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉजिटिव स्क्यूनेस का एग्जाम्पल हो गया, और ये एग्जाम्पल अच्छा आया पीपल यूजिंग सोशल मीडिया का. उसके अलावा एग्जाम्पल आया है एक ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस यू कैन से दैट कि लोग जनरली एवरेज एज तक जीते हैं. बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं, 100+. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. करेक्ट. और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल.
एज ऑफ मैरिज, करेक्ट, एज ऑफ मैरिज, अगेन एज ऑफ मैरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट मैरिड बाय 28 और 30. देयर विल बी वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल जो बहुत लेट मैरिज करेंगे, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए आप सबने पॉजिटिव स्क्यूनेस के और नेगेटिव स्क्यूनेस के. पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब सिंपल ये है कि लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड. नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब ये है लो प्रोबेबिलिटी आइटम्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और नेगेटिव साइड. ठीक है, नेगेटिव स्क्यूनेस का बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगा वो लगा पीपल यूजिंग सोशल मीडिया, राइट, या सोशल मीडिया आवर्स. तो एवरेज आवर्स सपोज 2 या 3 घंटे होगा दिन में एवरेज आवर्स, एंड बहुत कम लोग होंगे जिनका सोशल मीडिया आवर्स बहुत कम होने वाला है, राइट? तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. बहुत सारे लोगों का इनकम एक एवरेज इनकम के आसपास रहेगा, एंड बहुत कम लोग होंगे जिनका इनकम बहुत हाई होगा, राइट? एज ऑफ मैरिज, बहुत सारे लोग 28 टू 30 की एज में मैरिज कर लेते हैं, एंड बहुत कम लोग होंगे जो बहुत लेट जाके मैरिज कर रहे हैं. बताओ जो मैंने क्रिकेट का डेटा लिया है, क्रिकेट का डेटा, उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी या नेगेटिव स्क्यूनेस होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्रिकेट के डेटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी या नेगेटिव स्क्यूनेस होगी? व्हाट डू यू थिंक? जो मैंने बैट्समैन के रन स्कोर का डेटा लिया है उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा या नेगेटिव स्क्यूनेस? लेट मी शो यू द स्क्यूनेस. स्क्यूनेस क्या आ रहा है? स्क्यूनेस आ रहा है 1.16, 1.16, 1.02, 1.36, 0.73. सबका स्क्यूनेस कैसा है? पॉजिटिव. इसका रीजन क्या है? बिकॉज जनरली सारे प्लेयर्स कितना रन बनाते हैं? एवरेज के आसपास, राइट? एवरेज के आसपास. एंड बहुत कम मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें द रन स्कोर्ड आर वेरी हाई. मतलब बहुत कम मैचेस होते हैं जिसमें सेंचुरीज बने या उससे भी ज्यादा रन बने, राइट? मोस्टली इन ऑल द मैचेस रन स्कोर्ड आर नियर द एवरेज, यस और नो? बहुत कम ऐसे मैच होंगे जिसमें सेंचुरी बनेगी या बहुत हाई रन बनेंगे. दैट इज वाई वी सी अ पॉजिटिव स्क्यूनेस. सो जनरली ऑल द बैट्समैन हैव दिस पॉजिटिव स्क्यूनेस बिहेवियर वेयर इन द रन स्कोर्ड आर मोस्टली नियर द एवरेज. देयर विल बी वेरी फ्यू मैचेस इन विच द रन स्कोर्ड विल बी वेरी हाई अबव 100, यू कैन से, राइट? सो दैट इज वाई वी सी अ पॉजिटिव स्क्यूनेस बिहेवियर. एम आई क्लियर और नॉट? There are a few matches in which batsmen score centuries. Therefore, that runs scored are positively skewed. There are only few matches in which batsmen score centuries or maybe runs above centuries. In that case, runs scored are positively skewed. बहुत बारी आपको runs average के आसपास ही मिलेंगे. बहुत कम matches ऐसे होंगे जिसमें runs बहुत high होने वाले हैं. Is it intuitive or not? Cricket का example intuitive लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो batsman के runs scored is positively skewed. उसके बाद next. ठीक है, तो ये skewness clear है. Zero skewness, positive skewness, negative skewness. तो अभी तक हमने 3 measures किए हैं. कौन कौन से? Measures of central tendency, जिसमें हमने mean निकाला, average निकाला. ठीक है, हमने सारे के सारे प्लेयर्स का एवरेज रन स्कोर निकाला और हमने देखा कि विराट कोहली का एवरेज रन इज हाईएस्ट. तो इसका मतलब मेरे डेटा सेट में विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन. उसके बाद हमने 2 कैप्टन्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया, गांगुली की और धोनी की. तो दोनों का एवरेज रन ऑलमोस्ट सेम आया. तो वहां पर हमने बोला कि हमें और भी मेजर्स को यूज करना चाहिए, जैसे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपको बताएगा एवरेज डेविएशन इन द डेटा. तो धोनी का एवरेज डेविएशन आया अराउंड 30 और गांगुली का एवरेज डेविएशन आया अराउंड 36. इसका मतलब आई कैन से धोनी इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर. तो अगर मुझे धोनी और गांगुली में कंपेयर करना था, एवरेज दोनों का सेम था बट डिस्पर्जन धोनी के रन्स में कम था. सो धोनी इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर. उसके बाद हमने बात किया मेजर्स ऑफ सिमेट्रिसिटी के ऊपर. उसके लिए पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो सिमेट्रिक होता है, राइट? मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड कर्व. अगर आप पेपर को फोल्ड करोगे दोनों साइड पे आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगा. सो इट इज सिमेट्रिक. असिमेट्रिसिटी में हमने 2 एग्जांपल्स देखे, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस. पॉजिटिवली स्क्यूड के कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे कि लॉटरी.
बहुत सारे लोगों के लॉटरी लगेगा 700 रुपए का, 1000 रुपए का, एंड बहुत कम लोग होंगे जिनका लॉटरी का प्राइस विल बी वेरी हाई, राइट। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बहुत सारे लोगों की इनकम एवरेज इनकम के आसपास होगी, एंड बहुत कम लोग होंगे जिनकी इनकम विल बी वेरी हाई, राइट। उसके अलावा और भी हमने एग्जाम्पल्स देखे पॉजिटिव स्क्यूनेस के, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एज एट मैरिज, बहुत सारे लोगों की मैरिज अराउंड 28 to 30 के एज में हो जाती है, एंड बहुत कम लोग होंगे जिनकी मैरिज एज बहुत हाई होगी, राइट। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस। सिमिलरली हमने नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस के एग्जाम्पल देखे, जैसे कि मार्क्स स्कोर्ड इन एन इजी एग्जाम, मार्क्स स्कोर्ड इन एन इजी एग्जाम, बहुत सारे लोगों के मार्क्स अराउंड 70 के आसपास होंगे, एंड बहुत कम लोग होंगे जिनके मार्क्स इजी एग्जाम में कम आएंगे, राइट। उसके अलावा लॉसेस इन स्टॉक मार्केट, तो बहुत सारे लोगों के लॉसेस एवरेज लॉसेस के आसपास होंगे, एंड बहुत कम लोग होंगे जो बहुत कम लॉस करते हैं मार्केट्स के अंदर, राइट। तो लॉसेस इन स्टॉक मार्केट, और क्या एग्जाम्पल लिया था, और हमने एग्जाम्पल लिया था सपोज सोशल मीडिया यूसेज आवर्स, तो बहुत सारे लोगों का जो यूसेज आवर्स होगा वो एवरेज आवर्स के आसपास होगा, 2 घंटे 3 घंटे, एंड बहुत कम लोग होंगे जिनका यूसेज आवर्स विल बी वेरी लो, राइट। सो ऑल दीज आर मेजर्स ऑफ सिमेट्रिसिटी, स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, जीरो स्क्यूनेस, राइट। तो अभी तक 3 मेजर्स हुए, अब अपने फोर्थ पे जा रहे हैं, विच इज मेजर्स ऑफ पिकेडनेस। मेजर्स ऑफ पिकेडनेस, इसको मैं और इलेबोरेट कर रहा हूं, मेजर्स ऑफ पिकेडनेस ऑफ बॉडी एंड फैटनेस ऑफ टेल्स, मेजर्स ऑफ पिकेडनेस ऑफ बॉडी एंड फैटनेस ऑफ टेल्स। इसके लिए हम लोग जो मेट्रिक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कटोसिस, दैट इज कॉल्ड कटोसिस। नाउ आप सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कटोसिस होता है 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कटोसिस इज 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस कटोसिस इज 0। मैंने क्या बोला, कटोसिस इज अ मेजर ऑफ पिकेडनेस ऑफ बॉडी एंड फैटनेस ऑफ टेल्स। टेल्स मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज, टेल्स मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज। उसकी फैटनेस का मतलब क्या, टेल्स में एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी या तो हायर हो सकती है, एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी या तो हायर हो सकती है या एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी लोअर हो सकती है, राइट। बट जब भी हम हायर या लोअर बोलेंगे दैट विल बी कंपेयर टू सम बेंचमार्क, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेंचमार्क, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेंचमार्क। एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी अगर हायर है, राइट, तो देन वी से कटोसिस इज ग्रेटर देन 3, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बेंचमार्क है उसका कटोसिस क्या है, 3, राइट। और अगर एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी लोअर है देन वी से कटोसिस इज लेस देन 3। एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी अगर हायर है देन द कटोसिस इज ग्रेटर देन 3, एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी अगर लोअर है देन कटोसिस इज लेस देन 3। नाउ ये 3 के साथ ना कंपैरिजन करना बहुत ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड, इसीलिए एक और मेट्रिक निकाला गया विच इज कॉल्ड एक्सेस कटोसिस। एक्सेस कटोसिस क्या होता है, कटोसिस माइनस 3, एक्सेस कटोसिस इज कटोसिस माइनस 3। तो एक्सेस कटोसिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना होगा, 0। तो बहुत इजीली अब आप बोल सकते हो कि अगर एक्सेस कटोसिस पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इन टेल्स इज हायर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर एक्सेस कटोसिस नेगेटिव है देन प्रोबेबिलिटी इन टेल्स इज लोअर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहां पर हम लोग कटोसिस में बात कर रहे हैं फैटनेस ऑफ टेल्स की, एक्सट्रीम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं ये सेम चीज क्रिकेट डेटा पे अप्लाई करूंगा, क्रिकेट डेटा पे, राइट, तो डू यू थिंक ऑफ एनी प्लेयर जो आपको लगता हो जिसका एक्सट्रीम का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। मुझे तो हमेशा सहवाग याद आते हैं, सहवाग का प्लेइंग स्टाइल वॉज वेरी इंटेंस, ही ऑलवेज यूज टू प्ले इन सच अ वे, या तो बहुत हाई रन बनते थे या बहुत लो रन, राइट। सो सहवाग इज एन एग्जाम्पल जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज वेरी हाई। एक बार डेटा को चेक करें, डेटा को चेक करते हैं। डेटा में अगर आप देखोगे सहवाग का एक्सेस कटोसिस, ये एक्सेल में जो कटोसिस आ रहा है इट इज एक्सेस कटोसिस, सहवाग का एक्सेस कटोसिस इज वेरी हाई, 4.15। इनफैक्ट सभी का कटोसिस पॉजिटिव है, सभी का एक्सेस कटोसिस पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सट्रीम का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, विराट कोहली, विराट कोहली, तो विराट कोहली का
probability of extremes is lower than normal distribution. So can I say Virat Kohli is a stable player? Stable है ना, because extremes का probability lower है. And Sehwag को मैं unstable नहीं बोलूँगा. Sehwag को I can say he's a very intense player. Intense player मतलब probability of extremes is very high. या तो बहुत कम runs बनेंगे या बहुत high runs बनेंगे. Right? तो let me show you the three kind of plots. आपको यहाँ पे प्लॉट दिख रहा होगा, आपको एक ब्लैक कर्व दिख रहा है, ये तो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज बेंचमार्क. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कटोसिस इज 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस कटोसिस इज 0, राइट. उसके अलावा अब आपको एक दिख रहा होगा ग्रीन प्लॉट. ग्रीन प्लॉट, ग्रीन प्लॉट में क्या है आप देख सकते हैं, टेल्स. टेल्स मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज हेयर एंड हेयर. ग्रीन प्लॉट में टेल्स का प्रॉबिलिटी इज हायर देन नॉर्मल. ग्रीन प्लॉट में टेल्स का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन नॉर्मल. इसको मैं टेल्स बोलता हूं, इस बीच को बॉडी बोलता हूं. तो ग्रीन प्लॉट में आपको दिख रहा होगा हायर पिकेडनेस, हायर फैटनेस, हायर पिकेडनेस, हायर फैटनेस, राइट, हायर पिकेडनेस एंड हायर फैटनेस. तो आपको यहां पे दिख रहा होगा एक्सट्रीम्स का प्रोबेबिलिटी हायर है एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. रिमेंबर वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कर्व के ऊपर ग्रीन कर्व है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज हायर, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम्स इज हायर एज कंपेयर टू द नॉर्मल. और पीक्स में भी आप देख रहे हो, पीक्स, हायर पीक्स, एक्सट्रीम्स में प्रोबेबिलिटी हायर है, एंड यू कैन ऑल्सो सी हायर पीक्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो ये जो आपका पूरा ग्रीन कर्व है ना, दिस इज कॉल्ड लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज कॉल्ड लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. इसको क्या बोलते हैं, लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कटोसिस इज ग्रेटर देन 3 या एक्सेस कटोसिस इज ग्रेटर देन 0, राइट. तो सहवाग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे एक्सट्रीम रन्स बनाने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं ब्लू कर्व. ब्लू कर्व, ब्लू कर्व में आपको क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इज लोअर देन द नॉर्मल. Probability of extreme is lower than the normal, right? Over here and over here, right? Lower peaks, lower tails, lower peaks दिख रहे हैं आपको, lower peaks as compared to the black line, blue curve is below it, and lower tails, lower peaks, lower tails, right? इसका मतलब आपका extreme values का probability lower है as compared to the normal distribution. This blue curve is called platykirtic distribution. इसको क्या बोलते हैं, platykirtic distribution. एक platykirtic डिस्ट्रीब्यूशन का कटोसिस इज लेस देन 3, कटोसिस इज लेस देन 3, राइट. एंड विराट कोहली इज एन एग्जांपल ऑफ platykirtic डिस्ट्रीब्यूशन. तो सहवाग हु इज एन इंटेंस प्लेयर, उनके एक्सट्रीम्स का प्रोबेबिलिटी इज हायर, एक्सट्रीम रन्स का प्रोबेबिलिटी इज हायर, ही इज अ leptokartic प्लेयर, राइट. एंड विराट कोहली उनके एक्सट्रीम्स का प्रोबेबिलिटी इज लोअर, ही इज अ platykirtic प्लेयर. So leptokurtosis means higher peaks, higher tails. Platykirtic means lower peaks, lower tails. अच्छा, अगर kurtosis greater than 3 को leptokurtic बोलते हैं, kurtosis less than 3 को platykirtic बोलते हैं, तो kurtosis equal to 3 को क्या बोलते हैं, mesokurtic. So can I say normal distribution is mesokurtic? Yes. So 3 words हैं, mesokurtic, leptokurtic, platykirtic. ठीक है, ये kurtosis का importance क्या है, ये आपको tails की प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है. तो अगर टेल्स में एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी हायर है, इसका मतलब इट्स अ leptokartic डिस्ट्रीब्यूशन. अगर एक्सट्रीम्स में टेल्स में प्रोबेबिलिटी लोअर है, इट्स अ platykirtic डिस्ट्रीब्यूशन. तभी नाम क्या था, पिकेडनेस ऑफ बॉडी एंड फैटनेस ऑफ टेल्स. तो फैटनेस ऑफ टेल्स मतलब क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी, राइट. तो एक्सेस कटोसिस इज इक्वल टू कटोसिस माइनस 3. ये एक्सेस कटोसिस निकालते क्यों है, ताकि आप इजिली बोल सको जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट. हमें सभी प्लेयर्स का क्या दिख रहा है, जनरली पॉजिटिव कटोसिस दिख रहा है, मतलब leptokartic बिहेवियर दिख रहा है, एक्सेप्ट विराट कोहली, जिनका एक्सेस कटोसिस इज लेस देन 0. तो आई कैन कंफर्टेबली से कि विराट कोहली इज अ मच स्टेबल प्लेयर एज कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स, बिकॉज उनका एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करने का टेंडेंसी कम है. एंड सहवाग जो है वो काफी इंटेंस प्लेयर है, बिकॉज उनके एक्सट्रीम्स में प्ले करने का टेंडेंसी इज वेरी हाई, राइट. ओके, नाउ मुझे चारों के चारों मेजर्स समझ में आ गए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सिमेट्रिसिटी,
एंड मेजर्स ऑफ पिकेडनेस ऑफ बॉडी एंड फैटनेस ऑफ टेल्स. सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन देखा, डिस्पर्जन में हमने एवरेज डेविएशन देखा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, सिमेट्रिसिटी में हमने स्क्यूनेस देखा, जीरो स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, एंड कटोसिस विच इज अ मेजर ऑफ पिकेडनेस ऑफ बॉडी एंड फैटनेस ऑफ टेल्स. टेल्स मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी अगर हाई है तो लेप्टोकार्टिक है, एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी अगर लो है तो प्लैटिकार्टिक है. अगर मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल लू, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड लव टू सी दोज प्लेयर्स विच हैव प्लैटिकार्टिक बिहेवियर, मतलब जो स्टेबल रन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करते हैं, बहुत इंटेंस नहीं है, राइट? बिकॉज अगर बहुत इंटेंस होंगे तो उनके एक्सट्रीम्स का चांस हायर होगा, या तो जीरो पे आउट होंगे या बहुत हाई रन बनाएंगे, बट दोज प्लेयर्स आर नॉट स्टेबल प्लेयर्स, राइट? तो क्रिकेट के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आई प्रेफर दोज प्लेयर्स विच हैव अ प्लैटिकार्टिक बिहेवियर, राइट? सो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड प्रेफर दोज प्लेयर्स विच हैव अ प्लैटिकार्टिक बिहेवियर. ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग डेटा एज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड. एज एट रिटायरमेंट कैसा होगा? एज एट रिटायरमेंट नेगेटिवली स्क्यूड. जनरली रिटायरमेंट एज क्या होता है? 55 के आसपास, बट बहुत कम लोग होंगे जो बहुत कम एज पे रिटायर हो जाते हैं, राइट? मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बहुत कम एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एंड रिटायर हो जाएंगे. सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड. उसके बाद है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम्स. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख की गाड़ी है, तो जनरली क्लेम अमाउंट कितना रहता है इंश्योरेंस में? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000. बट बहुत कम लोग होंगे जो बहुत हायर इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट लेंगे, राइट? मतलब जिनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा एंड दे विल क्लेम अ बिगर अमाउंट. सो इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड बिकॉज देर विल बी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हु विल क्लेम अ वेरी बिग इंश्योरेंस अमाउंट. जनरली इंश्योरेंस अमाउंट सबका कितना रहेगा? 30-35 हजार. कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो बहुत हाई इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करेंगे, से 5 लाख और 7 लाख, जिनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, राइट? उसके बाद है सैलरी और इनकम. सैलरी और इनकम तो हमने बात कर ही लिया कि बहुत सारे लोगों की इनकम एवरेज इनकम के आसपास रहेगी एंड बहुत कम लोग होंगे जिनकी इनकम बहुत हाई होगी. तो अगेन दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस. उसके बाद है लाइफ ऑफ अ टेलीविजन सेट. टेलीविजन सेट क्या? कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम अगर आप ले लो, जनरली उसकी लाइफ रहेगी 10 साल, राइट? 5 साल से लेकर 10 साल. बहुत कम इलेक्ट्रिकल आइटम्स ऐसी होंगी जो खरीदते ही खराब हो जाएंगी. सो लाइफ ऑफ अ टेलीविजन सेट इज नेगेटिवली स्क्यूड, राइट? चाइनीज आइटम्स, तो जनरली लाइफ इज क्वाइट गुड, अराउंड 8 इयर्स 10 इयर्स. बहुत कम इलेक्ट्रिकल आइटम्स ऐसी होंगी जो खरीदते ही खराब हो जाएंगी. सो लाइफ ऑफ अ टेलीविजन सेट इज नेगेटिवली स्क्यूड. रिटर्न्स ऑन एन एसेट. अच्छा, रिटर्न्स ऑन एन एसेट, आप सपोज एक इन्वेस्टर हो, आप एक एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्या प्रेफर करोगे कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो या नेगेटिवली स्क्यूड हो? क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली पॉजिटिवली स्क्यूड. मतलब आप ये बोलोगे कि वैसे तो मेरे इन्वेस्टमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा हो ही ना, बट अगर होगा भी, कोई आउटलायर होगा भी, कोई लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होगा भी, तो वो पॉजिटिव साइड पे हो जाए काश, राइट? आप यही मानोगे ना कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं एक एसेट में, काश कोई उल्टा पुल्टा इवेंट ना हो, इसके रिटर्न्स स्टेबल रहे, मुझे हर साल 12-15% मिलता रहे. बट अगर कोई उल्टा पुल्टा इवेंट हो गया, लो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो गया, राइट, तो वो किस साइड पे हो? पॉजिटिव साइड पे हो. इसका मतलब अगर कोई उल्टा पुल्टा इवेंट हुआ तो आपको बड़ा पॉजिटिव रिटर्न्स मिल जाएगा. यही आप मन में दुआ करोगे ना, बट एक्चुअल में आपकी दुआ फुलफिल नहीं होने वाली, बिकॉज रिटर्न्स ऑन एन एसेट आर नेगेटिवली स्क्यूड. रिटर्न्स ऑन एन एसेट आर नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है, आप दुआ ये करते हो कि काश रिटर्न्स क्या हो, पॉजिटिवली स्क्यूड हो. वैसे तो रिटर्न्स स्टेबल रहे, बट अगर उसको स्क्यूड होना भी है तो काश पॉजिटिवली स्क्यूड हो. मतलब अगर कोई लो प्रोबेबिलिटी इवेंट हुआ, कोई उल्टा पुल्टा इवेंट हुआ, तो उसके उस केस में बहुत बड़ा पॉजिटिव रिटर्न्स आए. बट एक्चुअल में कोई भी एसेट का रिटर्न्स आर नेगेटिवली स्क्यूड. एंड इसीलिए तो रिस्क मैनेजर्स को हायर किया जाता है. एज अ रिस्क मैनेजर वी आर नॉट कंसर्न्ड इन कैलकुलेटिंग द मीन, वी आर नॉट कंसर्न्ड इन कैलकुलेटिंग द वेरियंस. हम लोग जनरली कंसर्न्ड होते हैं स्क्यूनेस से और कटोसिस से, राइट? स्क्यूनेस से एंड कटोसिस से. अगर एक एसेट में नेगेटिव स्क्यूनेस है,
इसका मतलब अगर कुछ उल्टा पुल्टा इवेंट हुआ तो बहुत जोर का नेगेटिव रिटर्न्स आने वाला है, एंड हमें उसको ही तो मैनेज करना है एज अ रिस्क मैनेजर, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है, एम्पेरिकली इट हैज बीन सीन दैट एसेट रिटर्न्स डू एग्जिबिट नेगेटिव स्क्यूनेस। कल जब हम एक एक्सेल का एग्जाम्पल देखेंगे स्टॉक मार्केट डेटा पे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा नेगेटिव स्क्यूनेस, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अ रिस्क मैनेजर। इनफैक्ट रिस्क मैनेजर इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट एवरेज रिटर्न्स, वो एवरेज रिटर्न से कंसर्न्ड ही नहीं होते, राइट? उनका काम एवरेज रिटर्न्स को मैनेज करना नहीं है, वो फंड मैनेजर का काम है, उनका काम है रिस्क को मैनेज करना। सो दे आर कंसर्न्ड अबाउट स्क्यूनेस एंड कटोसिस, मतलब कल को अगर कुछ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट हुआ, कोई आउटलायर इवेंट हुआ, तो आपका बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न होगा या बहुत बड़ा पॉजिटिव रिटर्न होगा, एंड अगर बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न होगा, डू यू हैव द कैपेसिटी टू हैंडल दैट रिटर्न? दैट इज द मेन रोल ऑफ रिस्क मैनेजर, राइट? इसके बाद नेक्स्ट, रिटर्न्स ऑन एन एसेट सिर्फ नेगेटिवली स्क्यूड नहीं है, वो लेप्टोकार्टिक भी है। अगेन इफ आई आस्क यू कि मन में आप काश क्या चाहोगे कि आपका जो एसेट रिटर्न्स है वो लेप्टोकार्टिक हो, प्लैटिकार्टिक हो या मेसोकार्टिक हो? मे बी आप चाहोगे मेसोकार्टिक हो या प्लैटिकार्टिक हो, मतलब रिटर्न्स स्टेबल रहे, रिटर्न्स स्टेबल रहे, मेरा एक्सट्रीम्स का चांसेस बहुत लो रहे, आप यही चाहोगे ना मन में। बट एक्चुअल में रिटर्न्स ऑन एन एसेट आर लेप्टोकार्टिक, मतलब एक्सट्रीम्स होने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नो डाउट एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड पे भी है, बट नेगेटिव साइड पे भी तो है ना, राइट? कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में एज एन इन्वेस्टर यू विश्ड टू हैव अ प्लैटिकार्टिक और मेसोकार्टिक बिहेवियर, बट एक्चुअल में आपका एसेट रिटर्न्स दे एग्जिबिट लेप्टोकार्टिक बिहेवियर। तो वही तो मैनेज करना है कि अगर एक्सट्रीम हो गया और एक्सट्रीम का चांस हायर है, तो क्या उस केस में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं उस एक्सट्रीम इवेंट को? सो एम्पेरिकली इट हैज बीन सीन दैट रिटर्न्स एग्जिबिट लेप्टोकर्टोसिस। अ रिस्क मैनेजर इज वरिड इफ द एसेट रिटर्न्स एग्जिबिट लेप्टोकर्टोसिस बिकॉज इट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स इज हायर। बिकॉज इसका मतलब क्या, एक्सट्रीम इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी हायर है, एंड मैं एज एन इन्वेस्टर कभी भी एक्सट्रीम इवेंट्स नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा मेरे रिटर्न्स हमेशा एक रेंज के अंदर स्टेबल रहे। बट अगर एक एसेट में एक्सट्रीम बिहेवियर दिख रहा है, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट? दूसरा एग्जांपल, एज एट डेथ। एज एट डेथ कैसा होगा, प्लैटिकार्टिक, बिकॉज जनरली एज एट डेथ क्या होगा, मिडल में, मिडल में। बहुत कम लोग होंगे जिनका डेथ बहुत हायर एज में होगा, बहुत कम लोग होंगे जिनका डेथ बहुत हायर एज में होगा, बहुत कम लोग होंगे जिनका डेथ बहुत लोअर एज में होगा, राइट? सो एज एट डेथ इज एन एग्जांपल ऑफ प्लैटिकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत कम लोग होने वाले हैं जिनका एज एट डेथ विल बी वेरी हाई, एंड बहुत कम लोग होने वाले हैं जिनका एज एट डेथ विल बी वेरी लो। दोनों एक्सट्रीम्स पे, लो एज पे एंड हाई एज पे, डेथ होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। दैट इज व्हाई इट इज प्लैटिकार्टिक, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल डाई एट अ वेरी यंग एज and very few people die at a very old age, right? So leptocartic and platycartic. And में crux क्या है कि अगर मुझे किसी भी asset को evaluate करना है, तो मुझे उसकी चार चीजें निकालनी है। मुझे average returns निकालने हैं, मुझे SD of returns निकालना है, ठीक है? मुझे skewness निकालना है और मुझे kurtosis निकालना है। तो कल जो हम example देखेंगे, उसमें हम ये चारों चीजें निकालेंगे, average returns, SD of returns, skewness, कटोसिस। एज अ रिस्क मैनेजर मैं कब कंसर्न होऊंगा, जब मुझे नेगेटिव स्क्यूनेस दिखेगी। एज अ रिस्क मैनेजर मैं कब कंसर्न होऊंगा, जब मुझे लेप्टोकटोसिस बिहेवियर दिखेगा, राइट? सो वी हैव टू कैलकुलेट दीज फोर मेजर्स, एवरेज रिटर्न्स, एसडी ऑफ रिटर्न्स, स्क्यूनेस एंड कटोसिस। दैट वी विल डू टुमारो, राइट? तो आई होप आपको ये चारों के चारों टर्म्स क्लियर है। मैंने अभी कुछ भी कैलकुलेशन आपको बताया नहीं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। मैंने आपको सिर्फ चारों का एग्जाम्पल बताया है, और साथ में मैंने आपको क्रिकेट डेटा पे उसका एप्लीकेशन बताया है। क्रिकेट डेटा पे अगर चेक करेंगे तो स्क्यूनेस वाइज हमें सभी का पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखा था, पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्यों पॉजिटिव स्क्यूनेस? बिकॉज जनरली सारे के सारे प्लेयर्स जो रन बनाएंगे वो एवरेज के आसपास होंगे, बहुत कम मैचेस होंगे जिसमें रन बहुत हाई होंगे, राइट? सो पॉजिटिव स्क्यूनेस। एंड जनरली सारे प्लेयर्स क्या शो करते हैं, पॉजिटिव कटोसिस, मतलब एक्सट्रीम्स का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन द नॉर्मल। सबसे ज्यादा जो दिखा प्रोमिनेंट वो दिखा सहवाग का, सहवाग का कटोसिस वाज वेरी बिग, राइट? इसका मतलब ही इज अ वेरी इंटेंस प्लेयर। एंड विराट कोहली का कटोसिस इज नेगेटिव, दैट मींस ही इज अ वेरी स्टेबल प्लेयर जो एक रेंज में प्ले करते हैं, ठीक है? उनके एक्सट्रीम्स का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो,
और इट्स लोअर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये चारों को एक बार रिवाइज कर लेना, इसकी क्लास में आज रात तक डाल दूंगा, एंड देन टुमारो वी विल हैव अ हैंड्स ऑन सेशन ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट वेर इन वी विल कैलकुलेट दीज फोर मेजर्स, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कटोसिस, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स कनेक्ट टुमारो।